याशी अभी गर्म पानी पीते हुए, हम लोग गर्म पानी लेके आए थे याशी को। कोई बात नहीं, मुंह चला के पी लो। गर्म पानी पीते हुए गर्म पानी लेके आए, क्योंकि नॉर्मल पानी लेके आओगे तो वो भी ठंडा हो जाएगा, चिपक जाएगा यहाँ पे स्नो पे ड्रेस चिपक जाएगी। यू मुलर, आपको पीना? और अब हम जा रहे हैं ऊपर, वो वहाँ फ्लैग फ्लैग लगे हुए हैं भाई। अरे भाई भाई भाई, अरे भैया यहाँ तो बहुत ही खतरनाक है, रेली में बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है कहते हैं यहाँ पर। हिल स्टेशन तो हम लोग गए हैं पहले, उमट्टी कोडाईकनाल ये लगेरी वहाँ जाते ही रहते हैं, मगर कहते हैं ये वाला नॉर्थ वाला साइड हर चीज़ एक्सट्रीम है यहाँ पे, स्नो एक्सट्रीम, रोड्स एक्सट्रीम, एडवेंचर एक्सट्रीम, सब कुछ एक्सट्रीम है। अगर आपको ज़्यादा ही एक्सट्रीम पसंद है हर चीज़, तो आप इधर आइए, मज़े करिए याशी स्नो फेंकते हुए। ओए ये लग जाएगी इससे, ये चलो 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 चलो, पहले फिर लौट के आ करना, चलो तो लगना ही चाहिए इंसान को, इंसान को बोला जाए तो नहीं है। और ये देखिए स्नो मैच हो रहा है मम्मा पापा के बीच में। तो नमिका और याशी खेलते हुए स्नो से एक दूसरे पे फेंकते हुए। हाँ बताओ, यहाँ पे भी लोग आगे कूड़ा कचरा डाल जाते हैं, तो इतनी अच्छी सुंदर सी जगह है, तो लोग ये हाइड एंड सीक के कचरा वचरा डाल देते हैं। ये हाँ तोड़ो तोड़ो टूटने, मेरा भी पैर घुस गया एक उसमें, बहुत गहरा था वो। ये स्नो ही स्नो, कहाँ स्नो देखते रहे, और देखो स्नो चेन्नई में मिलती है स्नो, ले चलो यही ले चलो चेन्नई ले चलते हैं। चलो 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 ऊपर चलो, बिटू के ना वो गीले हो गए ग्लव्स। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं ये फ्लैग एरिया, यहाँ पर फ्लैग्स लगे हुए हैं बहुत सारे, ये के लोगों की प्रेयर्स के फ्लैग्स हैं, ये प्रेयर्स होती हैं हवा, ये जो है आपकी प्रेयर्स को, आपकी प्रेयर्स को सब जगह ले जाती हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस होता है, हर उस चीज़ के मंत्र हैं। अरे आराम से बेटा। और ये फ्लैग्स कितना अच्छा लग रहा है अनामिका इधर एरी, गजब। कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक आएंगे, कुछ लोग जिप्सी वगैरह वो वहाँ तक ले भी ले गए, वो उससे आगे रोड क्लोज है पूरी तरह से, बर्फ़ है आगे तो आर्मी ने बंद कर रखा है। ये गजब व्यू अल्टीमेट, ये सूरज देखिए कैसा लग रहा है, क्लियर स्काई, बिल्कुल क्लियर स्काई, क्लाउड का नामो निशान नहीं है कहीं भी, एक छोटे से क्लाउड का भी। ये गजब व्यू, गजब अल्टीमेट, मजा आ गया। और ये देखिए क्या गजब व्यू है, अल्टीमेट अल्टीमेट व्यू। नामिका मैं अभी ट्यूब में आया, और नामिका भी याशी आ रहे हैं अभी। और अब हम चलते हैं यहाँ से रोहतांग पास टॉप से नीचे, और यहाँ ठंड थोड़े कम है नीचे के मुकाबले, जहाँ पर कैब रुकी हुई है टैक्सी रुकी हुई है वहाँ पे हवा बहुत तेज है और बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा कड़कड़ाती बढ़ रहे हैं, कप कपा रहे थे, और यहाँ एकदम से नॉर्मल सा हो गया,
स्नो है, मगर अगर आप स्नो को छूते हैं तो ये आपका थोड़ा सा सेंसेशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा, मगर ठंड नहीं है, मतलब एकदम से हवा बंद हो गई है, हवा बहुत कम है, चल रही है थोड़ी बहुत चल रही है मगर कम है, और आराम से रह सकते हो आप यहाँ पे 2-3 घंटे इजिली। हम लोग चल दिए, 1 घंटा हो गया हमको, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, और भैया आ गए हमको लेने के लिए। भैया आप वापस में खाली आए या फिर कोई पैसेंजर मिल गया? नहीं, पैसेंजर लेके आए सर, अब उनका 2 बजे का टाइम है। अच्छा अच्छा सही है। रोहतांग पास दुनिया भर देश यही आते रहते हैं हम लोग, सोचते रहते घर बैठे बैठे कि रोहतांग पास जाएंगे, आखिरकार आ जाए गए। और ये जो सामने दिख रहा है टेंपल इग्लू सा, ये तो स्टोन है, और ये है व्यास ऋषि का टेंपल। यहाँ पे कुछ था व्यास ऋषि की तब यहीं पे तपस्या करी थी, बहुत ही अच्छी जगह है देखने में। यहीं से व्यास रिवर निकलती है। ने मजे दिला दिए। कितने की आती थी भैया ये जिप्सी? भैया ये 19 तक लास्ट प्राइस है इसका, 7 लाख आया हुआ ऑन रोड। ओए हे, 7 लाख तो ऑन रोड। हाँ, अरे गजब। और ये देखो सामने से जिप्सी आ रही, और भैया कैसे निकाल रहे, गजब भैया, गजब थोड़ा धक्का दे वे। यहाँ पे भैया आ गए दूसरे भैया धक्का देने के लिए, अपनी फंस गई थोड़ा सा, बिल्कुल साइड से लगा दी, एक दूसरे की मदद करते हुए ये निकल गए। ये गजब भैया गजब, कितना इजीली निकल गई, वरना यहाँ पे लोग है ना, हाँ एक दूसरे की मदद करेंगे भाई तभी निकलेंगे ना यहाँ से, वही होगा ना, नहीं तो फंसी जाएंगे भाई। ज्यादातर दुनिया में कहीं भी ट्रैफिक लगता है ना, एक दूसरे का होता है, फिर वो अड़ जाते हैं कि साले मैं ही निकलूंगा, दूसरा फिर वो है ना पीछे नहीं होता है, अगर एक दूसरे की मदद करके निकले ना कभी ट्रैफिक ना लगे। गजब यहाँ पे स्कीइंग पे जाते हुए ये ATV आगे खच्चर भी आ रहे हैं, उनके थ्रू भी जा सकते हैं। खच्चर वाले भी आ रहे हैं, ATV कहाँ से निकाल दिए उसके लिए तो आसान है। खच्चर ये भी घोड़े भी चलते हैं भैया? खच्चर खच्चर नहीं घोड़े है सर, घोड़े पहाड़ी घोड़े, ये आपके वहाँ रहते हैं ना हाइट में ज्यादा। अच्छा, पहाड़ी घोड़े शॉर्ट रहते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रहते हैं ये पहाड़ी घोड़े। और वो देखिए कितना जाम लगा हुआ है, जाम नहीं है मतलब एक तरह से वहाँ पार्किंग है, सारा पार्किंग कर रखा है, हमारी कैब भी वहीं पार्क है, और अभी तक हम यही निकल पा रहे हैं, सिंगल वे है एक तरह से, तो जब तक दूसरी तरफ से क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्लियर नहीं हो पाएंगे। और ये भैया हमने चढ़ा दी स्नो पर, ये देखो क्या रोड, ये भाई गजब, ये देखो यहाँ पर अपनी नॉर्मल गाड़ी, अपनी ग्रेटर वेटर सब फेल है, लाने की सोच भी नहीं सकते यहाँ पर। अरे और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय यहाँ पर स्टॉल में, ऊपर से आ गए हैं रोहतांग पास से वापस आ गए हैं, और अभी चाय पी रहे हैं और मैगी खाएंगे,
गरम गरम चाय, ठंडी ठंडी का मौसम, यहाँ इतनी ज्यादा हवा ठंड लग रही है कि कुछ पूछो ही नहीं। और ऊपर ले थे हम रोहतांग पास के टॉप पर, वहां पर बिल्कुल भी मतलब हवा लगी नहीं रही थी, बिल्कुल भी की हवा लग रही है। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रोहतांग पास का, मनाली आए रोहतांग पास आए। कैसे आप यशी, कैसे रहा नाम क्या? बढ़िया बढ़िया, मस्त है। खूब खेले स्नो के साथ, स्नो आज तक कभी नहीं देखी थी, मतलब पिछली बार अभी हम दो दिन पहले वहां गए थे कि लॉन्ग वगैरह वहां पे मिली थी, स्नो वहां तो थोड़ी सी थी, यहाँ तो स्नो ही स्नो है। गजब, यहाँ पे मैगी बन रही है, और एक स्पेशल मैगी है माउंटेन वाली मैगी, जिसके लिए बोलते हैं कि भाई माउंटेन वाली मैगी अच्छी क्यों लगती है, वो आज हमें पता चला, क्योंकि है ना पहाड़ वाली मैगी अच्छी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मसाले डाले हैं ना उन्होंने अलग से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हम तो सिर्फ एक मसाला मैगी मसाला डाल देते हैं, इन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए ना, तो ऑब्वियसली अच्छी लगेगी भाई, गजब इनका अलग ही टेस्ट होता है। गजब, ये देखिए क्या नजारे हैं, जबरदस्त। बस अभी ये खा पी के अपना चलते हैं कैब से वापस मनाली। और अब ये है हमारी पहाड़ों वाली मैगी, पहाड़ी वाली मैगी कैसी लगी? सुपर सुपर, बहुत टेस्टी है। गजब, ऐसी कैसी लगी? ऐसी नॉर्मली प्लेन मैगी खाती है, मगर यहाँ आके मसाला मैगी खा रही है। और अब हम आ गए हैं कहाँ, रानी नाला। ये गजब भाई, गजब, देखिए पीछे गजब व्यू आ रहा है, रानी नाला, नाला क्यों, नाला बह रहा है, एक तो वाटरफॉल है छोटा सा, अगर इसको रानी नाला बोलता है, रानी नाला। ये देखिए क्या गजब व्यू है, और वो देखिए कैसे ऊपर तक है, गजब व्यू आ रहा है, गजब देखो कितना नीचे से ये बह रहा है, और ये गजब व्यू वहां से बर्फ पिघल पिघल के आ रही है, देखो क्या गजब व्यू आ रहा है, अल्टीमेट मजा आ गया। यहाँ भी मैगी की शॉप, भैया मैगी बना रहे हैं, अंडे वगैरह ऑमलेट सब चल रहा है इनका। और यासी आ गई, अभी सो रही थी कार में सो रही थी, आ गई यासी, सोना था आए, नींद तो मुझे भी आ गई थी, मैं भी झटकी ले रहा था, ये देखो क्या गजब आ रहा है। और अब हम वापस आ गए हैं गुलाबा बैरियर पे वापस, और रोहतांग पास का हमारा सफर बहुत ही शानदार रहा, बहुत चीजें करी हमने वहाँ, देखी फोटो खींचे, बहुत सारी यादों के साथ हम वापस जा रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए ताकि आपको पता चल सके कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी अपडेट्स के साथ, और हमारी आने वाली सीरीज़ को भी फॉलो करते रहिए, आने वाली जर्नी, आने वाले ब्लॉग्स और भी बहुत शानदार होने वाले हैं, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इसमें, क्योंकि हमने भी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमने वीडियो में डाला है। हाँ, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि वहाँ पहुँच के भी आगे हम कैसे जा सकते हैं, भाई वही एटीएम है। हाँ भाई, ये होता है ना कि भाई कहते हैं कि आप मनाली चले जाओ, मनाली से रोहतांग पास होता है पास, मगर यहाँ आने के बाद कैब करने के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे खर्चा होता है जो आपको बताया नहीं जाता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको अनएक्सपेक्टेडली खर्चा हो गया, मगर क्या करें, मगर वो नहीं करते तो है ना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब मन करे तब आ जाओ, तो कभी कभी आप आते हैं तो कुछ लोग तो नीचे से ही, जहां नीचे से ही चले जा रहे थे, वहां से ही पार्क जा रहे, वहीं से वापस जा रहे थे, नहीं जा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि बच्चे कर पाएंगे कि नहीं, सही है कि नहीं, मगर हमने बहुत सारी चीजें बताई है उस वीडियो में, तो आप प्लीज वीडियो पूरा देखिए, फॉलो करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, ताकि ना आपका आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है, कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये देखिए शानदार नज़ारा, शानदार व्यू, क्या व्यू है, अल्टीमेट, पीछे के पहाड़, क्रो भी बैठा है, क्रो भी बैठा है, पाँव कौन बैठा है,
और पीछे के पहाड़ अभी भी दिख रहे हैं, शानदार। तो फिर चलिए चलते हैं। थैंक यू।